लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये लोग हैं कौन फौजी साहब, जिन्होंने पहले आपकी पत्नी का अपहरण किया और अब लगातार हम लोगों पर हमले कर रहे हैं? इनके बारे में अभी हमें पूरी तरह पता नहीं चला है, पर जितना इनके रहस्यों के बारे में हमने जाना है उससे पता चला है कि ये लोग एक दो या दस की संख्या में नहीं, ढेर सारे हैं। पूरे कबीले फैले हुए हैं इनके जगह जगह पर। आपको ये सब कैसे पता चला फौजी साहब? इस नक्शे के टुकड़े से। और इस वक्त हम लोग यहां खड़े हुए हैं, यहां पर। ये नक्शा सच मुझे काफी कुछ जान चुका है हमारे बारे में। और ये नक्शे का टुकड़ा हमें इन लोगों की किसी तिलस्मी गुफा से ही मिला है, और इसमें भारतवर्ष में फैले हुए इनके सारे अड्डों पर जाने के रास्ते छिपे हुए हैं। हम तो ये समझते हैं कि सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में इनके खुफिया अड्डे छुपे हुए हैं। लेकिन फौजी साहब, ये लोग करते क्या हैं? समाज में पाप फैलाना शायद इनका इकलौता काम है। पाप फैलाना? दुनिया में जब कोई अपराध होता है तो इन्हीं में से कोई शैतान उसे करता है या किसी और व्यक्ति से उसे करवाता है। और हम तो समझते हैं कि इन लोगों को पहचानना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग समाज में किसी भी रूप में हो सकते हैं। और चूंकि हम इन लोगों के रहस्यों को जानने लगे थे, इसीलिए इन लोगों ने पहले तो हमें मारना चाहा, और जब इन्होंने देखा कि ये हमें मार नहीं पाएंगे, तो एक दिन इन लोगों ने हमारी पत्नी का अपहरण कर लिया। लेकिन फौजी साहब, अगर वो लोग शैतान हैं, तो अब तक तो शायद आपकी पत्नी को उन्होंने मार डाला होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो लोग चाहते तो उसी रात हमले में मार सकते थे उसे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनमें से एक शैतान हमारा रूप अख्तियार करके धोखे से साथ ले गया कौशल्या को। आखिर क्यों? कोई ना कोई तो वजह होगी इसकी। वो कौशल्या को जिंदा रखना चाहते थे, और हमें पूरा यकीन है कि कौशल्या आज भी जिंदा है। हम बहुत जल्द ढूंढ लेंगे उसे, ढूंढ लेंगे हम उसे। मुश्किल है। आपका मतलब? मेरा मतलब फौजी साहब वो कि हाँ, अभी तो आपने नक्शा दिखाकर कहा कि इन लोगों के अड्डे दुनिया भर में फैले हुए हैं, फिर आप अपनी पत्नी को कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? जरूरत पड़ी तो उनके हर अड्डे पर पहुंचेंगे हम, मगर फिलहाल हमें उनके जंगल के दूसरी ओर बने अड्डे तक पहुंचना है, क्योंकि अड्डा काराडुंगा से सबसे नजदीक है, और हमें पूरा यकीन है कि वो कौशल्या को वहीं लेकर गए होंगे।
पहाड़ों से लगा ये जंगल कब खत्म होगा बुधना? आगे बहुत ही कठिन रास्ता है फौजी साहब, अगर हम लोग लगातार चलें तो भी कम से कम 2 दिन तो लग ही जाएंगे। 2 दिन? मुझे एक आसान रास्ता मालूम है फौजी साहब। आसान रास्ता? जी, अगर हम उस रास्ते से चलें तो बहुत जल्द हम इस जंगल को पार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा रास्ता है? है एक रास्ता, मुझे एक बार मेरे बापू ने दिखाया था। अगर आप चाहें तो मैं आपको उस रास्ते से ले चलती हूँ। लेकिन फौजी साहब, मैंने कभी ऐसे किसी रास्ते के बारे में नहीं सुना है। बहुत कम लोग जानते हैं उस रास्ते को। फौजी साहब, आप मेरा विश्वास कीजिए, अगर हम उस रास्ते से जाएंगे तो बहुत जल्दी ये जंगल का रास्ता कट जाएगा। अगर ये कह रही हैं तो इन्हें सचमुच पता होगा जंगल से निकलने का आसान रास्ता। चलिए हम उसी रास्ते से चलते हैं। हाँ हाँ चलिए, वो उधर से चलना होगा। उधर से? जी हाँ, आइए चलते हैं। अब ये रास्ता तेरी मौत का रास्ता होगा रंजीत सिंह। बस अब वक्त आ गया कुछ करने का। क्या हो गया घोड़े को अचानक? बस बस बस, सब लोग उतरा। रुक जा, रुक जा, अरे रुक, रुक, रुक जा। मैंने ही तेरे साथियों को मारा है, अब तेरी बारी है और तेरे बाद रंजीत सिंह की बारी आएगी। बचाओ फौजी साहब, फौजी साहब। तो तुम ही हो वो बिल्ली जिसने उस बूढ़े भील और हमारे साथियों को मारा है। हाँ, लेकिन मेरा मकसद तो तुझे मारना है रंजीत सिंह। उन बेचारों की मौत तो सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो तेरे साथी थे, रुकावट बन रहे थे मेरे रास्ते में, मगर अब कोई रुकावट नहीं है। अब तो तुझे मरना ही होगा मेरे हाथों। हाँ।
तुझे उसी तरह मारूंगी रंजीत सिंह, जैसे बिल्ली चूहे को मारती है। चाहे तो इसी वक्त इस तलवार से तुम्हारा खात्मा कर सकते हैं, मगर निहत्थों पर वार करना तुम जैसे शैतानों का काम है, हमारा नहीं। तुम सिर्फ हमें इतना बता दो कि कहां छुपा कर रखा है हमारी पत्नी कौशल्या को तुम लोगों ने। अगर तुम हमें ये बता दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तुम उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे रंजीत सिंह, कभी नहीं। कहां चली गई? फौजी साहब, फौजी साहब, फौजी साहब, फौजी साहब, उसने बुधना को भी मार डाला। इसकी बांह पर वही जख्म कैसे जो हमारी तलवार के वार से शैतानी बिल्ली पर हुआ था? तुम्हारी बांह पर ये जख्म कैसे? उसने मुझे भी नोच डाला। उसने पहले मुझ पर हमला किया था, लेकिन बीच में बुधना आ गया। मैं तो भाग निकली, मगर उसने बुधना को मार डाला। फौजी साहब, फौजी साहब, अब हम जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो वो फिर से आ जाए। उधर से रास्ता है फौजी साहब, आइए निकल चलते हैं। चलिए ना फौजी साहब। और फिर शाल्या रंजीत सिंह को रास्ते से भटकाकर घने जंगलों में ले गई। कह रही थी कि इस आसान रास्ते से चलकर हम बहुत जल्द जंगल से दूर निकल जाएंगे, मगर ये रास्ता है कि खत्म नहीं हो रहा। घंटों बीत गए चलते चलते। जी, मुझे लगता है फौजी साहब मैं रास्ता भूल गई। हाँ, ये वो रास्ता नहीं है जो मेरे बापू ने मुझे दिखाया था। उस बिल्ली के डर से मुझे लगता है मैं रास्ता भूल गई हूँ। पहले बांह पर जख्म का होना, अब रास्ता भूल जाना, कहीं ये शैतानों की साथी तो नहीं? क्या सोच रहे हैं फौजी साहब, अब क्या करें हम लोग? ये चाहे कोई भी हो, मगर फिलहाल जख्मी है और इसके जख्म को दवा की जरूरत है। आ, 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 आ,
वो बेल पहचानती हैं? नहीं, कैसी बेल है ये? कमाल है, इतने साल जंगल में रहने के बाद भी आप नहीं जानती कि वो बेल क्या है। हम भी उसका नाम तो नहीं जानते, मगर इतना जानते हैं कि गांव में रहने वाले लोग इस बेल के पत्तों को पीसकर अपने जख्मों पर लगाते हैं और काफी राहत मिलती है इससे। हाँ। आप रुकिए, मैं उस बेल के पत्तों को ले आता हूं। तलवार की वजह से मैं तेरे पास आकर भी तुझे खत्म नहीं कर सकी रंजीत सिंह, मगर मेरा ये खंजर आसानी से तेरे पास जाके तुझे खत्म कर देगा। आप यहाँ आ गई, हमने आपको वहां रुकने के लिए कहा था ना? जी, वो मुझे वहां अकेले बहुत डर लग रहा था। खैर, हमने पत्ते जमा कर लिए, हम इसका लेप बनाकर देते हैं आपको। इसे अपने जख्म पे लगा लीजिए, आराम पहुंचेगा आपको। जी। काफी परेशानी हो रही होगी आपको जख्म से, लीजिए लीजिए। मेरे जख्मों की आपको इतनी परवाह है? आपके ही नहीं, हम किसी के भी जख्म को नहीं देख सकते, भले ही वो जख्म दुश्मन के शरीर पर ही क्यों ना हो। दुश्मनों से भी आप इतनी हमदर्दी रखते हैं? दर्द तो दर्द ही होता है, चाहे वो हमें हो या किसी दुश्मन को हो। आप इस लेप को अच्छी तरह से लगा लीजिए, बहुत जल्द आपका जख्म ठीक हो जाएगा। और फिर दिन ढलने से पहले हमें सही रास्ते को भी ढूंढना है, ताकि हम अपनी पत्नी कौशल्या तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन हमारी पत्नी कौशल्या हमसे भी ज्यादा प्यार करती है हमें। पता नहीं इस वक्त कहां होगी वो। आइए चलते हैं। एक तरफ दुश्मन के लिए भी इतनी हमदर्दी, दूसरी तरफ अपनी बीवी कौशल्या के लिए इतना प्यार। काश मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता।